हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री की वीडियोस देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था एक बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक वैदिक एज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में काफी सारे फैक्चुअल चीजों को डिस्कस किया हुआ था। थोड़ी हिंदी जरूर हो गई थी, बट अगेन धार्मिक चीजों के बारे में बात करना है और इंग्लिश में अगर धार्मिक चीजों के बारे में बात करेंगे तो धर्म भी बुरा मान जाएगा। चलिए खैर जोक्स अपार्ट, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। लास्ट क्लास में जो भी चीजें देखी थी उसी के कंटिन्यूएशन में, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लिम्स स्पेशल, मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली वेदास से रिलेटेड डिस्कशन किया था। एक बार मैं पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोगों को रिवाइज करा दूं अगर, तो सबसे पहले हम लोगों ने गॉड के बारे में देखा था, गॉड के तीनों फॉर्मेट देखे थे, विष्णु एंड जो शिवा एंड ब्रह्मा, इनके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने विष्णु के अलग अलग अवतार के बारे में देखा था, एंड अकॉर्डिंगली वी कनेक्टेड ऑल दोज अवतार विद आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हम लोग उसको कनेक्ट किए थे। फिर हम लोगों ने बेसिकली अलग अलग टाइम पीरियड देखा था, जैसे कल्प हो गया, मनवंतरा हो गया और दिव्य युग हो गया। दिव्य युग में अगेन हम लोगों ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में डिवीजन देखा हुआ था। फिर हम लोग वैदिक एज पे आ गए थे। वैदिक एज में हम लोगों ने डिवीजन देखा था कि अगेन आयरन एज आ गया था, जिसके कारण से हम लोगों ने वैदिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वन वॉज द अर्लियर वैदिक पीरियड एंड लेटर वॉज द लेटर वैदिक एज। फिर हम लोगों ने वैदिक का मतलब समझा था कि इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द नॉलेज। और फिर हम लोग आर्य पे आ गए थे। आर्य के बारे में हम लोगों ने देखा था कि दे वर द सुपीरियर पीपल एंड हाई क्लास पीपल, और इसके लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना एक विचार था, थॉट था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये आर्कटिक से आए हुए हैं, दयानंद सरस्वती ने बोला था कि तिब्बतन एरिया से आए हैं, डी एस त्रिवेदी ने बोला था देविका प्रदेश अफगानिस्तान से आए, और कल्ला ने बोला था कश्मीर से आए हैं। इसी तरीके से संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव के बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने सप्त सैंधव में सातों नदियों के बारे में बात किया था, इंडस, फिर उसके बाद से झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज और ब्यास, इनके बारे में देखा था। फिर सरस्वती एक लास्ट रिवर हम लोगों ने देख लिया था। इसके पुराने नाम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जहां पर सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, बिपाशा और जितने भी थे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये सेंट्रल एशिया से रिलेटेड थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, जिसको मैक्स मूलर ने ज्यादा क्लियरली बताया था। इन्होंने बोला था कि देखिए जैन अवस्था भी वहां की ग्रंथ है, सिमिलरली ऋग्वेद यहाँ की, और दे हैव काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, एंड दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड हियर कि आर्यंस वर एक्चुअली केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। लेकिन अगेन वहां पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि ऋग्वेद में कहीं पर भी सेंट्रल एशिया का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर अगेन हम लोगों ने देखा था ये भी चीज कि सेंट्रल एशिया में कुछ हमें रिलिक्स मिले हुए थे, ओल्डर रिलिक्स मिले थे, जैसे कसीट की रिलिक्स हो गई जो कि इराक में थी, मित्तानी हो गई जो कि सीरिया में थी, और वहां से हम लोगों को एक आइडिया लगा था कि एक्चुअली यहां पर आर्यंस का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा बोगस कोई रॉक एडिक से हमें यहाँ के डाइटीज के बारे में पता चला था। डाइटीज में कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। यहाँ पर अग्नि का जिक्र नहीं किया गया था, नासत्य का, चिकित्सा का, मेडिसिन का यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था, इसके डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर हम लोग वैदिक एज पे आ गए थे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। यहाँ पर हम लोगों ने फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वाली वेद। फिर साथ में इस वेद को समझने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टेक्निकली रिटन, एंड दैट इज वाई हम लोगों ने बाकी चीजों के बारे में बात किया था, लाइक ब्राह्मण, अरण्यका एंड उपनिषद को लेकर के। फिर हम लोग आ गए थे अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इनके बारे में डिटेलिंग्स हम लोगों ने देखी थी, जहां पर ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर मंडल, मंडल के अंदर में सुक्त और सुक्त के अंदर में हिम्स हैं, और इस मंडल में दसों मंडल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि मंडल नंबर 2 टू मंडल नंबर 7 एक्चुअल में गोत्र मंडल हैं, और अलग अलग गोत्र के बारे में दिया था। यहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि एक स्टार मार्क करके रखिएगा और हम लोग बात करेंगे दश राज दिस इज दश राज यज्ञ के बारे में, या दश राज युद्ध के बारे में, वॉर के बारे में, देखेंगे क्या चीज है। तो इसको हम लोगों ने देखा था।
एक और चीज, एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में सारी डिस्कशंस कर ली थी। सामवेद में हम लोगों ने देखा था कि दे आर बेसिकली एक तरीके से पोएट्रीज थी, दे आर बेसिकली द म्यूजिकल एलिमेंट्स। यहां पर म्यूजिकल एलिमेंट्स दिए हुए थे जहां पर सात तरीके के स्वर बताए गए थे। और फिर हम लोगों ने देखा था यहां पर जो है अलग अलग टाइप के उपनिषद लाइक छंदो उपनिषद एंड कीन उपनिषद। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में मेलोडियस चैंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोग यजुर्वेद पे आ गए थे, यहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्रोज पोएट्री दोनों ही यहां पर लिखी हुई है और उसके कुछ डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहां पर दो तरीके का कह लीजिए कि ब्राह्मण्स थे, एक थी कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, और इन दोनों के डिटेल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जो कि मैंने बोला था कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दैट। फिर हम लोग आ गए थे अथर्ववेद पे, और अथर्ववेद में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये बेसिकली मैजिकल्स और एक तरीके से यहाँ पर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन किया गया था, जिसको मैंने बोला हुआ था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब इसी कंटिन्यूएशन में जरा आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं, और आगे की चीजों को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिर से अपने वेद में ही जाएंगे। और यहां पर मैं एक बुक की कटिंग लगा के रखा हुआ हूं, दिस इज हिंदी, इंग्लिश में मुझे मिला नहीं था और लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता था, इस वजह से मैंने इसको लगा दिया यहीं पे। तो यू कैन ऑब्वियसली यू कैन इफ यू कैन राइट इंग्लिश देन यू कैन ऑल्सो राइट हिंदी, बिकॉज इन कंपल्सरी पेपर यू हैव टू राइट हिंदी ऑल्सो, दोनों की प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। चले खैर, तो देखिए यहां पर हमारे पास वेद है, और एक चीज यहां पर ये ध्यान में रखना है कि वेदों का कंपाइलेशन किसने किया था। तो आपको ये याद रखना है, वेदों का जो कंपाइलेशन किया गया था वो महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया था, द्वैपायन, महर्षि द्वैपायन के द्वारा, इन्हीं को बोला जाता है वेद व्यास, वेद व्यास, इन्होंने ही इस पूरे वेद का कंपाइलेशन किया हुआ था। इसमें वेदों में हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद थी, सामवेद थी, यजुर्वेद थी और अथर्ववेद थी। हम लोगों ने ये भी बातें किया हुआ था कि ये जो वेद है एक्चुअली दे आर वेरी टेक्निकली रिटन, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जिसको कि समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके टेक्निकलिटी को समझने के लिए इसके एक्सप्लेनेशंस आए, और ये एक्सप्लेनेशंस बेसिकली ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के फॉर्मेट में आते हैं। यहां पर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब होता है, अब यहां से हम लोग जरा पढ़ना शुरू करते हैं, ब्राह्मण का मतलब होता है कर्मकांडवाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मकांडवाद? कर्मकांडवाद का मतलब यह है कि यहां पर बेसिकली वर्क के बारे में बताया गया है, तो कर्मकांडवाद है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ द जो भी वर्क है, वर्क फंक्शन है, उसके बारे में बताया गया है। अरण्यक का मतलब यह क्या हो गया कि जो फॉरेस्ट में जाकर के वहां के मिस्ट्रीज के बारे में बताए गए हैं, तो दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ व्हाट फॉरेस्ट। और यहां पर बेसिकली मेडिसिन वगैरह के बारे में चर्चा की जाती थी। उपनिषद में क्या हो गया, उपनिषद जो है वो तत्व मीमांसा ये है बेसिकली, ठीक है। उपनिषद के बारे में एक और जानकारी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दी थी कि टोटल 108 उपनिषद्स आर देयर, बट हमारे पास केवल और केवल 12 ही प्रेजेंट केस में अवेलेबल है, बाकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग जरा वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। इस ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा कर रखी थी उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे दूंगा, और बाकी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ही। बहुत सारी चीजों को मैं यहां पर बोलूंगा तो आप लोग उसके नोट्स बना लीजिएगा। एक दो इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, उसको भी मैं जरा बीच में ब्रेक लेकर के मैं बता ही देता हूं। देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है इस तरीके से वर्चुअल क्लास करने में। देखिए, क्लासरूम इस समय नहीं ओपन हो सकता है क्योंकि इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहा है हम लोगों को कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ा सके, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, इन नियर फ्यूचर का इनफैक्ट जो फ्यूचर है अब एजुकेशन का, वो डिजिटल ही रहने वाला है। तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा आप लोग चेंज करिए कि आप वर्चुअल क्लासेस में कंफर्टेबल फील करिए, अदरवाइज फ्यूचर मुश्किल हो जाएगी। इनफैक्ट कहा जाता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट द चेंजेस, तो चेंज यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। इनफैक्ट यूपीएससी ऑल्सो सेज यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर एटीट्यूड में अपने फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको।
अदरवाइज बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, आप ये सोचते रह जाएंगे कि क्लासरूम ओपन होगी देन वी विल स्टडी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होने वाला है. अक्टूबर तक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लासेस नहीं हो पाएंगी एंड वर्चुअल फॉर्मेट में ही क्लासेस आपकी चल सकती हैं. तो इस वजह से वर्चुअल क्लासेस के फॉर्मेट में ही करिए. यू हैव ऑप्शंस, मतलब इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन टेलीग्राम मैसेज ईमेल कुछ भी आप कर सकते हैं. इनफैक्ट क्लास वीडियो के लास्ट में हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप जो है चैनल्स का यूज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं. तो ये चीज है. बाकी तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. देखिए 40 हम लोग 44 तो 45 मिनट की जो भी क्लास करते हैं, एक्चुअल में ये 44 45 मिनट की क्लास नहीं है, ये 3 to 4 hours की क्लास होती है. बस इसमें होता क्या है कि मैं ऑलरेडी रिटन यहाँ पर जो भी स्लाइड्स हैं वो मैं दिखाता हूँ तो आपको आसानी पड़ जाती है, फटाफट आप सीख लेते हैं. बट इस क्लास को 40 मिनट की 44 मिनट की क्लास को कंप्लीट करने में ऑब्वियसली इट विल टेक 3 to 4 hours, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे, मेमोराइज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, समटाइम्स आप ब्रेक ले रहे होंगे, समटाइम्स आपको डाउट्स भी हो रहे होंगे तो आप डाउट्स भी लिख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. इसमें कोई दिक्कत मत समझिएगा कि इफ यू आर टेकिंग 3 to 4 hours टू कंप्लीट अ वीडियो देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू. नो 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 नो, देयर इज नो नथिंग, नो सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ ये, बट ऑब्वियस है टाइम लगेगा ही लगेगा. चलिए खैर, तो ये कुछ बातें थी. और कोविड की प्रॉब्लम स्पेशली गोरखपुर में, हम लोग की जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाले हैं उन लोगों के लिए, गोरखपुर में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, मत निकलिए, हो जाएगा कोरोना, बहुत दिक्कत हो जाएगी. मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान में लोग हैं जो कोरोना से स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज वेरी वेरी, आई मीन द कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल. बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट ये कह रहे थे, फोन पे जब बात हो रही थी वो ये कह रहे थे बस बच जाऊं मैं, यही बहुत बड़ी बात है. तो इस वजह से कोविड, कोरोना इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. इस वजह से इतना, इट इज नॉट अ जोक एक्चुअली, ठीक है. तो बस थोड़ा सा बच के रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए. इतना बढ़िया गोल्डन चांस मिला हुआ है, इसको पढ़ाई करिए, फालतू इधर उधर के कामों में मत लगाइए, ठीक है. देखिए चाइना की टिकटॉक भी बैन हो गई है, तो अब आपके पास करने को भी कुछ नहीं होगा, तो पढ़ लो यार, क्या करना है, और कुछ कर भी नहीं सकते. और वैसे भी आप लोग की उम्र अब यही रह गई है पढ़ने वाली, और कुछ कर नहीं सकते हैं. खेलकूद की उम्र निकल चुकी है और मॉडलिंग करने की उम्र जा चुकी है. बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट हो तो जा करके मिरर में अपना एक बार चेहरा देख लीजिए और समझ जाइए कि बेटा ऐसा है, हमसे केवल पढ़ाई ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है. चले खैर, आ जाते हैं कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको फटाफट जरा इरेज कर देते हैं, ये जो यहाँ पर फालतू चीजें लिखी हुई हैं. एंड अगेन सीरियसली आई एम सेइंग, डू नॉट गो आउटसाइड इफ यू डू नॉट हैव एनी थिंग टू डन इन, जो भी शॉप्स वगैरह पे करनी है, अगर नहीं करना है मत जाइए बाहर, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे अलग अलग चीजों के बारे को मिली करके. तो ऋग्वेद में अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज है, लेकिन जो इसकी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है. तो यहाँ पर स्क्रिप्ट इज एक्चुअली द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बट द लैंग्वेज इज संस्कृत. किसके लिए? ऋग्वेद के लिए. बाकी यहाँ पर मंडल्स और जो भी इसमें सूक्त हैं और जितने भी यहाँ पर चैंटिंग्स हैं, वर्सेस हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. अब देखिए, इसको समझने के लिए दो ब्राह्मण हैं, वन इज ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरी है कौशीतकी ब्राह्मण. यहां पर अगेन मैं इरेज करता हूं ताकि आप लोगों को दिखेगा. जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये लिखा गया था महिदास के द्वारा, दिस इज महिदास, महिदास के द्वारा लिखी गई है. और जो कौशीतकी है ये महर्षि कुशीतक के द्वारा लिखी गई है, दिस इज कुशीतक, कुशीतक के द्वारा लिखी गई है. यहां पर महिदास अपने मदर के बारे में लिखे हुए हैं इसमें, मतलब मदर के एक तरीके से कह लीजिए कि बारे में है. एंड यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं वो इसी से रिलेटेड निकल करके आ जाती हैं. इनकी माता का नाम रहता है इत्रा, इनकी माता का नाम इत्रा रहता है, वन सेकेंड, ओके, इनकी माता का नाम रहता है इत्रा, और इसी के बारे में यहां पर लिखा गया है. तो हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया लेने के लिए ये देख लेना चाहिए. हिस्ट्री को देखिए पढ़ने के लिए, अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही हो तो उसके डिटेल्स के बारे में जान लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा. तो इतरा से ऐतरेय निकल करके आ जाता है, कौशीतकी
कुशीतक से निकल करके आ जाता है, तो ये बेसिकली ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण के अलावा अरण्यक भी जो है वो ऐतरेय और कौशीतकी ही है जो रहस्य के बारे में बता रहे होते हैं। सिमिलरली अगर उपनिषद के बारे में बात करें तो दिस इज अगेन ऐतरेय एंड कौशीतकी, यहां पर भी ऐतरेय और कौशीतकी के ही बारे में यहां पर भी है। अच्छा, एक चीज यहां पर ये ध्यान में रखने वाली है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 108 उपनिषद आर देयर जिसमें से 12 खोजे गए हैं, जिसमें से जो 10वां उपनिषद है वो महावीर स्वामी के द्वारा लिखा गया, आदिगुरु सॉरी महावीर स्वामी नहीं आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा, शंकराचार्य ने इसे भाष्य में लिखा है। तो इस तरीके से ये जो भाष्य है दिस इज एक्चुअली भाष्य एंड इसमें इन्होंने उपनिषद में जो 10वां उपनिषद है उसको इन्होंने कंप्रीहेंड किया हुआ है एक तरीके से कह लीजिए या कंपाइल किया हुआ है। तो ये चीज है जो ध्यान में रखिएगा, एकमात्र ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कंपाइलेशन किया हुआ है, भाष्य के रूप में किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी ऋग्वेद के बारे में। अब जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देख लेते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में जब आएंगे तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद म्यूजिकल एलिमेंट्स है यहां पर, दीज आर म्यूजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है किसके बारे फॉर्मेट में है, पोएट्री के फॉर्मेट में है, ये तो आपको पता ही चल गया है। यहां पर दो ब्राह्मण हैं जो आपको याद रखने हैं, एक है जो तांड्य ब्राह्मण है जैसे तांड्य ब्राह्मण, और दूसरी है जैमिनी ब्राह्मण, एक और तीसरी है जिसको खटविश ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है जो आपको याद में रखना है, जैमिनी ब्राह्मण, खटविश ब्राह्मण एंड तांड महाब्राह्मण। अब देखिए संगीत है, संगीत इज रिलेटेड विद तांडव, तो तांडव से आप तांडे याद रख सकते हैं। जैमिनी एक तरीके की जो होती है लोगों की राशि भी होती है, तो वहां से भी आप जो होता है याद रख सकते हैं। अब ये जो अरण्यक होती है, अरण्यक इज रिलेटेड विद, एक है छंदक छंदोग्य अरण्यक और दूसरी है जैमिनी अरण्यक, याद ही करना है आपको, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उपनिषद में भी जब आएंगे तो यहां पर भी छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद के बारे में है। अच्छा, यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो आपको याद रखनी है। एक स्टोरी है जहां पर कृष्णा के बारे में बताया गया है, देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में बताया गया है, और ये बेसिकली छांदोग्य में बताया गया है। दूसरी आरुणी आर्ग्यूमेंट के बारे में है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आरुणी के बारे में है। यहां पर तो कृष्णा के बारे में है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी जो म्यूजिक थी उसके बारे में, यहां पर चीजों के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो आरुणी का जो आर्ग्यूमेंट है इसकी स्टोरी आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी है। इनफैक्ट यू विल गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम आरुणी हाउ टू प्रिपेयर इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन, इनफैक्ट फुल फ्लेज्ड एग्जाम के लिए यहां पर है। देखिए आरुणी के साथ होता क्या है कि आरुणी बॉज एक राजा रहता है, उसका बेटा रहता है, एंड आई रेड दिस स्टोरी इन माई क्लास 10th, जब मैं अपने क्लास 10th में था तो मैंने इसका हम लोग के टाइम में एक संस्कृत सब्जेक्ट हुआ करता था एंड आई वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो उसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट हुआ करता था। उस संस्कृत में ये आरुणी संवाद दिया गया है, उसमें मतलब टॉपिक नाम हुआ करता था उद्धालक आरुणी संवाद। तो वहां पर संस्कृत में ये पूरी की पूरी स्टोरी थी और उसमें ये बताया गया था कि व्हेन आरुणी वाज इन द गुरुकुल, जब अपने गुरु के समीप थे, टीचर के पास थे, तो उस समय की एक्चुअली फंडा ये चलता था कि जो गुरुकुल थी वो कहीं फंडिंग नहीं पाते थे, कोई पैसा नहीं आता था, तो जो भी इनकी एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी वहां से जो कुछ भी पैसा वगैरह जो भी आ गया, रिवेन्यू वगैरह आ गया, वहां से दे यूज टू रन देयर आश्रम्स, वो अपने आश्रम चला रहे होते थे और बेसिकली एजुकेशन जो है वो दे रहे होते थे। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम होता क्या है कि बहुत ज्यादा ही बारिश हो जाती है, रेनफॉल काफी ज्यादा हो जाती है, इस बारिश के कारण से जो खेत रहते हैं वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि जो गुरु रहते हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि देखो ऐसा है, इस साल हम अपने आश्रम को नहीं चला पाएंगे क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वो पूरे पानी से भर जाएंगे और हमारी जो भी क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। तो आरुणी कहता है कि तो व्हाट वी कैन डू, तो गुरु बोलते हैं कि देखिए वन ऑप्शन इज देयर कि जो हमारी खेत की जो बाउंड्री है जिसको बोला जाता है मेड़ बोला जाता है, तो जो मेड़ है अगर हम उसको वापस से रीबिल्ड कर देते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वाटर डज नॉट एंटर इनटू द फील्ड और इस तरीके से हम अपने क्रॉप को बचा ले जाएंगे। तो आरुणी कहता है कि ठीक है तो चलते हैं, क्या करना है उसमें।
But Aruli was the only student in that ashram who was ready to go in the field and rebuild that, जो boundary made है उसको सही करने के लिए तैयार होता है. तो Aruli बोलता है कि other students के let us go there and rebuild what our teacher is saying. लेकिन बाकी के students नहीं जाते हैं. तो Aruli कहता है कि चलो मैं अकेले जाऊंगा. तो उसका जो गुरु रहता है वो उसे रोक देता है, कहता है कि नहीं, you don't have to go there, you will not be able to construct that made alone, अकेले आप नहीं कर पाएंगे. तो Aruli कहता है कोई बात नहीं, हम लोग कोई बात नहीं, मैं फिर से जाता हूं, देखता हूं, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ तो सही नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे. बट अगर नहीं कुछ भी, अगर बैठे रह जाएंगे, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू फेल इट. ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि चलो ठीक है, इफ 1% इज द चांस, लेट मी अटेम्प्ट इट. तो ये काफी बहुत बोल्ड डिसीजन था Aruli का. और Aruli चला जाता है, इनफैक्ट वहां पर वो जाता है, वो मिट्टी वगैरह से अपनी मेड़ वगैरह बना रहा होता है. बट वाटर का फ्लो इतना ज्यादा रहता है कि जब भी वो मेड़ बनाता है वो टूट जाती है. तो Aruli एट द एंड क्या करता है कि वो अपनी बॉडी को ही मेड़ पे रख देता है. मतलब Aruli जो होता है खुद ही वो जाकर के लेट जाता है. मतलब आप समझिए, वो राजा का बेटा है और वो इस तरीके से खेत में जाकर के लेटा हुआ है, मेड़ बना करके लेटा हुआ है. मॉर्निंग में जैसे ही मॉर्निंग होती है वैसे ही गुरुजी आते हैं. गुरुजी देखते हैं कि Aruli इस तरीके से लेटा हुआ है एंड बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो रखा था, फीवर हो रखा था. तो Aruli को फिर गुरुजी जो होता है ऊपर से हाथ वाथ फेरते हैं एंड उसके बाद से कहते हैं Aruli को कि मतलब इस तरीके का हमने अभी तक स्टूडेंट नहीं देखा है. तो ऑब्वियसली यूपीएससी में भी यही सब सेम चीज होती है. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी प्रिपरेशन के दौरान में. समटाइम्स इनफैक्ट आप हर तीसरे दिन जो होता है गिव अप कर देंगे कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. लेकिन फिर भी अगेन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन एंड अगेन. यू हैव टू मेक योर ओन मोटिवेशन, अपनी खुद की मोटिवेशन बनानी पड़ेगी. ऑब्वियसली यू विल गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन ही है, ऐसा थोड़ी ना है कोई चीज अलग है. चलिए खैर, तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी जो कि बेसिकली छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है. तो आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली छांदोग्य उपनिषद में क्या क्या चीजें हैं. तो कृष्णा के बारे में है एंड द सेकंड थिंग इज Aruli का जो आर्ग्यूमेंट था उससे रिलेटेड था. समझ में आ गया क्या है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारी आती है यजुर्वेद के बारे में. यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली दो चीजें यहां पर है, एक थी जो कृष्ण यजुर्वेद थी और दूसरी थी जो शुक्ल यजुर्वेद थी. ठीक है ना, तो इन दोनों के बारे में बात किया था और ये हमने बताया था कि दिस इज प्रोज एज वेल एज पोएट्री, दोनों ही यहां पर चीजें हैं. और ये बेसिकली चैंटिंग्स, अगेन ये भी जो होता है वो चैंटिंग्स थी. यहां पर भी ब्राह्मण दो हैं, वन इज तैतरीय ब्राह्मण और दूसरी है शतपथ ब्राह्मण. तैतरीय ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जहां पर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं. तो फर्टाइल क्रॉप्स के बारे में बताया गया है इस तैतरीय ब्राह्मण में. यहां पर फ्लडिंग कंडीशन के बारे में बताया गया है, किसमें, शतपथ में. शतपथ में फ्लडिंग कंडीशन के बारे में बताया गया है. इसके अलावा रीबर्थ के बारे में बताया गया है. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा पुरुर्वा उर्वशी का आर्ग्यूमेंट भी बताया गया है. तो पुरुर्वा उर्वशी के भी आर्ग्यूमेंट को आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पुरुर्वा आरुषि. ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो कभी और डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं. आरण्य अगेन वही सेम है, तैतरीय एंड शतपथ. और यहां पर अगेन उपनिषद देखेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद आ जाते हैं. बेसिकली 6 उपनिषद आ दिया. तो देखिए 6 उपनिषद यहां पर है, 2 उपनिषद यहां पर है, 2 उपनिषद यहां पर है, तो 10 उपनिषद हो गए. और बेसिकली 2 उपनिषद यहां पर है, टोटल मार करके 12 उपनिषद. और मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 उपनिषद ही जो है हम लोग अपने पास रखे हुए हैं, बाकियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है. तैतरीय उपनिषद ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया तैतरीय का मतलब. बाकी देखिए बृहदारण्य उपनिषद का मतलब यह है कि यह सबसे बड़ा उपनिषद है. दिस इज द लार्जेस्ट उपनिषद. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑब्वियसली. तो ये जो होता है यहां पर बड़ा उपनिषद है. इसके अलावा जो होता है ईशोपनिषद है, यहां पर ईश के बारे में बताया गया. इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद है, कठोपनिषद है. कठोपनिषद में जो है वो नचिकेता की कहानी है, नचिकेता और यम के बीच का आर्ग्यूमेंट है, किस तरीके से नचिकेता जाता है और वहां पर अपनी डेथ, अपनी जो मौत हो जाती है उसको भी वापस लेकर आकर के वो वापस से धरती पर आ जाता है. इसके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद है. तो ये बेसिकली कुछ 6 उपनिषद आर देयर विच इज देयर टू एक्सप्लेन द यजुर्वेद. इसके बाद आती है लास्टली हमारी अथर्ववेद आ जाती है, जिसमें एक तरीके से कह लीजिए कि ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है. साथ ही साथ में और क्या बताया गया है, मेडिसिन के बारे में, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था. क्लियर हो गया.
ओके okay, इसमें जो है गोपथ ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण आरण्यक यहां पर नहीं है। और यहां पर दो उपनिषद है, एक है प्रश्नोपनिषद और दूसरा है मांडोक्य उपनिषद। जो मांडोक्य उपनिषद है ये छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब कंटेंट वाइज काफी छोटा है। और यहीं से हम सत्यमेव जयते ये लिए हुए हैं, सत्यमेव जयते हम लोगों ने यहीं सर लिया हुआ है। तो एक आइडिया लग गया क्या चीज है इस पूरे के पूरे वैदिक ग्रंथ के बारे में, आइडिया लग गया, याद भी आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बहुत ही आसान से पूछे जाएंगे कि जैमिनी ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, या फिर आरण्यक किससे रिलेटेड है, उपनिषद कौन से है, किसमें क्या चीजें हैं। तो आप लोगों ने मोर देन सफिशियंट पढ़ाई यहां पर कर ली, इसके अलावा और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। हालांकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया, अब हम लोग खाली रिवीजन कर रहे होंगे अपने इस पूरे के पूरे सेक्शन में। देखिए वैदिक लिटरेचर्स में वेदाज आर द लार्ज बॉडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, तो हम लोग धारिक बातें कर ही रहे हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ वैदिक संस्कृत एंड ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया, दे फॉर्म द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म एंड द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। द वेदाज आर सेट टू हैव पास्ड ऑन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, बेसिकली ये बोल करके ही चीजों को दी जाती थी, जैसे हम लोग अभी बोल के भी दे रहे हैं आपको, साथ ही साथ में रिटन फॉर्मेट में भी दे रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, केवल वर्बल, ठीक है, एंड इस वजह से केवल और केवल सुन सकते थे उसको, इसलिए इसको बुलाता था श्रुति, केवल श्रुति है। श्रुति का मतलब ये हो गया केवल, यू कैन ओनली हियर इट, यू कैन ओनली लिसन इट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फोर वेदास हैं वो इसी श्रुति से रिलेटेड है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद। द मंत्रास टेक्स्ट ऑफ ईच ऑफ द वेद इज कॉल्ड संहिता, इसको संहिता बोलते हैं। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को कल की क्लास में बताया था तो वहां पे बोला था कि मैंने ये दीज वेदास आर एक्चुअली द संहिताज एंड देयर इन संहिता देयर आर फोर वेदास। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा टाइप ऑफ वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर बात करें तो ब्रॉडली फोर टू टाइप ऑफ वैदिक लिटरेचर्स वी हैव, वन इज श्रुति लिटरेचर और दूसरी है स्मृति लिटरेचर। श्रुति का मतलब वही है जिसको केवल और केवल जो होता है सुन सकते हैं, टू हियर एंड डिस्क्राइब द सीक्रेट टेक्स्ट विच कंप्राइज ऑफ वेदा, जैसे ब्राह्मण्स हो गया, अरण्यकास हो गया, उपनिषद हो गया। श्रुति लिटरेचर इज कैनोनिकल एंड कंसिस्टिंग ऑफ रिविलेशन एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ, तो दिस इज लौकिक, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि दिस इज अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ है, बिना बोले मतलब क्वेश्चनेबल नहीं है ये ट्रुथ, ऐसी चीज है। एंड दिस इज इटर्नल, दिस इज बियॉन्ड थिंकिंग वाली चीज है। स्मृति के बारे में अगर बात करें तो द वर्ड स्मृति विच इज एक्चुअली रिलेटेड विद द रिमेंबर्ड, मतलब मेमोरी से बेसिस, एंड इज इट विच इज सप्लीमेंट्री एंड मे चेंज ओवर टाइम। दिस लिटरेचर इज एंटायर बॉडी ऑफ द पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एंड कंसिस्टिंग ऑफ वेदांग। वेदांग के बारे में हम लोगों ने कल छह वेदांग के बारे में बात किया था ना, एजुकेशन हो गया, इसी तरीके से हम लोगों ने निरुक्त हो गया, व्याकरण मतलब ग्रामर हो गई, छह तरीके के हम लोग वेदांग के बारे में डिस्कशन किए थे। एंड द शद दर्शन, मतलब शद मतलब वही सिक्स दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, उपवेद में भी हम लोगों ने फोर टाइप ऑफ उपवेद के बारे में डिस्कस किया था, तंत्राज, अगमाज एंड उपंगाज। तो ये बेसिकली स्मृति लिटरेचर है विच कैन बी रिमेम्बर, जिसको याद किया जा सकता है। स्मृति का मतलब ही होता है मेमोरी, जिसको याद किया जा सके। द वैदिक लिटरेचर कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, वन इज द फोर वेदास, जिसको कि हम लोग युगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद इनके बारे में देखे थे, इसके अलावा ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड उपनिषद, जिसको कि हम लोग बहुत ही देर से डिस्कस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब हम लोग जरा ब्राह्मणाज के बारे में बात कर ले, अगेन हम लोगों ने जो टेबल में देखा था उसी का यहां पर थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको कि दीज आर बेसिकली द प्रोज टेक्स्ट विच एक्सप्लेन द हिम्स इन द वेदास। तो अगेन मैंने क्या बोला था कि वेदा इज वेरी टेक्निकली रिटन एंड दैट इज वाई टू एक्सप्लेन दिस वेदा ब्राह्मणाज आर देयर। तो ब्राह्मण, अब आप ब्राह्मण को केवल और केवल जो होती है वो जाति विशेष वर्ण से ही मत समझिए, ब्राह्मणाज बेसिकली लिटरेचर, ठीक है, एंड ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट दैट आर एम्बेडेड विद इन ईच वेद, ठीक, इनकॉर्पोरेटिंग मिथ्स एंड लीजेंड्स टू एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्ट ब्राह्मण्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स। तो कुल मिलाकर के इसकी कहानी यही है कि जो टेक्निकली रिटन चीज है उसको ये आसानी से समझाने की कोशिश करता है।
इन एडिशन टू द एक्सप्लेनिंग द सिंबल एंड मीनिंग ऑफ संहिता, संहिता का मतलब वही चार वेद को समझाने के लिए जो चीजें बताई जाती हैं, ब्राह्मण लिटरेचर एक्चुअली ये साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में हमें बताता है, जैसे ऑब्जर्वेशन जो भी ज्योतिष के बेसिस पे है, इसके अलावा पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द अल्तार कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री, डाइवर्जेंट इन द नेचर, सम ब्राह्मणास आल्सो कंटेन मिस्टिकल एंड फिलोसॉफिकल मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट अरणिकास एंड उपनिषद। अब देखिए यहां पर जो ये ज्योमेट्री वाली वर्ड है या कंस्ट्रक्शन है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। देखिए जितने भी यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ होते हैं, इस यज्ञ में एक वेदिका बनाई जाती है, होता है ना इस तरीके से, चार बना दिया जाता है और इसकी कुछ हाइट होती है एंड देन अकॉर्डिंगली जो होती है इसमें कुछ लकड़ी वकड़ी रख करके फिर जो होती है इसमें इसको सेट टू द फायर कर दिया जाता है और इस तरीके से फिर जो होती है हवन जिसको बोलते हैं, यस हवन, ठीक है, यज्ञ हो जाती है। तो इस तरीके से करते हैं। एक्चुअल में दिस यज्ञ हैज अ डिमेंशन, इसकी एक स्पेसिफाइड डिमेंशन होती है, वो बात दूसरी। आज की डेट में सब लोग कहते हैं कि यार चार ईटा लगा उसके बाद से जो है अपना यज्ञ शुरू कर दिया जाता है, बट एक्चुअली इन द वैदिक पीरियड एंड दिस इज एक्चुअली रिटन इन आवर वेदास की इसकी एक डिमेंशन होती है एंड इन दैट डिमेंशन ओनली वी शुड मेक वेदिका, वेदिका को केवल उस डिमेंशन में ही बनाना चाहिए। और अगर मान लीजिए गलत तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विच यू विल गेट इज ऑब्वियसली इट विल बी मॉडिफाइड, गलत तरीके से करेंगे तो गलत तरीके से ही आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा। तो अगेन जो होती है जब भी कोई आपके घर में मतलब पूजा पाठ करने के लिए कोई आता है तो ऑब्वियसली उनको ये बोल दिया करिए कि जो भी डिमेंशन एक्चुअल में है उसी डिमेंशन पे आप बनाइए, जो चीज की आपको जरूरत है वो आप मेरे से बोल दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो ये चीज है जो बेसिकली ज्योमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है, यहां पर ही एंगल देखा जाता है, हाइट देखी जाती है, विड्थ देखी जाती है और अकॉर्डिंगली जो होती है सारी चीजें हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ईच वेद हैज वन और मोर, वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट, एंड ईच वेद हैज वन और मोर ऑफ इट्स ओन ब्राह्मणास एंड ईच ब्राह्मण इज जनरली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर शाखा और वैदिक स्कूल। ये वैदिक स्कूल आगे हम लोग बात करेंगे क्या चीज है। लेस देन 20 ब्राह्मणास आर करंटली एक्सटेंड एज मोस्ट हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड डेटिंग ऑफ द फाइनल कोडिफिकेशन ऑफ द ब्राह्मणा एसोसिएटेड वैदिक टेक्स्ट इज कंट्रोवर्शियल As they are likely recorded after several centuries of oral transformation. तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो ब्राह्मण्स है ये थोड़े से कह लीजिए कि जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो बातें कही गई, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये ब्राह्मणा, वो एक्चुअल में कई सौ सालों पहले वेद के थ्रू केवल और केवल बोला गया था, बोला गया था, सुन लिया गया था, कहीं पर भी कोडिफाइड रिटन नहीं था, एंड दैट इज वाई वॉट एवर इज रिटन इन द ब्राह्मणा समटाइम्स हैज बिकम controversial. The oldest Brahmana is dated to about 900 BC, which is the youngest to be dated around 700 BC. Clear हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा अरण्यकास के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था कि ये जो होता है वो जंगलों वगैरह में जाकर के वहां की जितनी भी मिस्टिकल चीजें हैं उसके बारे में ये बताते थे। तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द अरण्यकास है कौन कौन सी, दीज आर द फॉरेस्ट बुक and sacrificial rituals are interpreted by Aranyaka in a symbolic and philosophical way. Lastly, हम लोगों की एक छोटा सा टर्म आ जाता है, that is the Upanishads, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या चीज है। तो they are very important, जो भी चीज है उसके बारे में देख लीजिए कि there are 108 Upanishad, लेकिन इसमें से 12 ही हम लोग इसके जानकारी है, तो 13 are the considered the major ones, जिसमें से हम लोगों को केवल और केवल 12 ही अवेलेबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण आर मेजरली एक्सप्लेन इन द उपनिषद। इट कंटेन्स फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी चीजें, सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, बॉडी के बारे में बताया गया है, यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखा। और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो वैदिक सिविलाइजेशन में, अच्छा एक चीज और मैं वैदिक सिविलाइजेशन से पहले आप लोगों को जरा क्लियर कर दूं, इस उपनिषद में बेसिकली हमारे पास एक और उपनिषद होती है जिसको बोलते हैं जबालोपनिषद। ये जो जबालोपनिषद है इसमें, हालांकि मैंने लास्ट लास्ट में बताया था कि 100 ईयर को बेसिकली फोर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 25-25 ईयर की हर एक अवस्था, हर एक फेज बना करके रखा गया है। इसमें से अलग अलग फेज में अलग अलग काम के बारे में बताई गई है, लाइफ के बारे में। जैसे एक बताया गया है कि दिस इज बेसिकली ब्रह्मचर्य, दिस इज ब्रह्मचर्य अप टू द 25 ईयर एज। 25 ईयर के एज के बाद जो होती है ये गृहस्थ आश्रम आ जाती है, गृहस्थ आश्रम के बाद फिर ये वान प्रस्थ आ जाता है,
और लास्ट में संन्यास आ जाता है. तो दिस इज बेसिकली द थिंग हियर. वनप्रस्थ का मतलब ये होता है, जो आपकी ब्रह्मचर्य होती है इसमें क्या मतलब होता है कि यहां पर एजुकेशन ली जा रही होती है. गृहस्थ का मतलब क्या होता है, यहां पर मैरिज हो रही होती है और साथ ही जो जो होता है जो अभी अपनी डायनेस्टी है, जो भी अपना परिवार है, कुल है, इसको कुल बोलते हैं, तो कुल जो है उसको ये बढ़ा रहे होते हैं. कई बार बोला था ना कुल का चिराग बुझ गया, तो बेसिकली कुल मतलब क्या, कुल इज बेसिकली द फैमिली. ठीक है. वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि जहां पर बंदा अब आफ्टर गेटिंग ऑल दिस थिंग, जो भी चीजें बता रहे हैं मैरिज एंड जो भी कुल वगैरह है, इसके बाद ये 50 ईयर का जैसे ही होता है वैसे ही ये चला जाता है वानप्रस्थ में. एंड देयर दे गो टू द फॉरेस्ट, और वहां पर ये अरण्यक लिखते हैं. अरण्यक मतलब कि मेडिसिन की खोज करते हैं जंगलों में जा करके, और वहां पर अरण्यक लिखते हैं. और इस तरीके से बाकी के जो भी आने वाली जनरेशन है वो मेडिसिन के बारे में और जो भी डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में जानकारी कर रहे होते हैं. बाकी लास्ट में संन्यास को ले लेते हैं और लाइफ अपनी देख रहे होते हैं क्या कुछ अगले जीवन में करना है. तो ये थी बेसिकली इस पूरे के पूरे डिस्कशन के बारे में. बाकी सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि वैदिक एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट बाद में आ जाती है, 1500 से 600 BC तक के लिए रहती है, जिसको कि हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था. वन इज द अर्ली वैदिक एंड सेकंड वन इज द लेटर वैदिक. इसमें हम लोगों ने बात किया था कि वैदिक जो होती है, वैदिक एज द स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इंडो आर्यन. यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो आर्यंस थे दे वर द सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल. हालांकि ये जो होते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे, बट दे एक्चुअली देवर जो होता है नोमैड्स थे, ये घूम रहे होते थे, घुमंतु प्रणाली के थे. एंड द ओरिजिन होमलैंड ऑफ आर्यन इज अ मैटर ऑफ डिबेट विद डिफरेंट एक्सपर्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशंस कर रखे थे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कहते हैं कि कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया से आए, जैसे मैक्स मूलर हो गए, और इसके लिए भी इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है. बाकी लोग बताते हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से है, चाहे तिब्बत से है, अलग अलग तरीके से लोगों ने बता करके रखा हुआ है. बाकी ये संस्कृत बोलते थे जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, एंड दैट इज वाई कई सारे अगेन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोला है कि ये यूरोपियन कल्चर के हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था. आगे अगर बात करते हैं तो ये सप्त सैंधव है. सप्त सैंधव में अगेन हम लोगों ने देखा था इन सब के बारे में. सिंधु का नाम इंडस, विपाशा का नाम व्यास, वितस्ता का नाम झेलन, पारुषनी का नाम रवि, अस्किनी का नाम चिनाव, एंड शतुद्री का नाम सतलज. इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. ओके. अच्छा, एक आपको छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूं जो ये रिलेटेड विद पौरुषनी है. ये जरा आप लोग समझ लीजिए. इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि मंडल नंबर सेवन 2 to 7 मैंने बताया था ना कि यहां पर जो है आपका गोत्र के बारे में लिखा है. गोत्र मंडल बोला जाता है इसको, जिसमें अलग अलग तरीके से बताई गई है चीजें. इसमें मैंने बताया था कि 3 नंबर में विश्वामित्र के बारे में है. विश्वामित्र, और ये जो होती है यहां पर ही गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया, गायत्री चैंटिंग्स के बारे में बताया गया. और 7th में मैंने आप लोगों को बताया था वशिष्ठ के बारे में. दिस वाज द वशिष्ठ मंडल. होता क्या है कि यहां पर भरत डायनेस्टी चलती है. दिस इज द भरत डायनेस्टी, और इसी भरत डायनेस्टी के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है इंडिया का, ऐसा कहा जाता है. बट दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल, अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं. इस भरत डायनेस्टी में जो राजा था उसका नाम था किंग सुदास. तो ये जो किंग सुदास था इसने क्या किया था कि अपने जो प्रीस्ट थे, और प्रीस्ट कौन थे, विश्वामित्र थे, इन्होंने क्या किया था, विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना प्रीस्ट रख लिया था. इससे विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए, कहे कि यार अभी समझाते हैं, हमको भगा दिया है. विश्वामित्र क्या करते हैं कि बाकी आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां के 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं, और 11वां बंदा खुद विश्वामित्र हो जाते हैं, और ये 10-11 लोग चले जाते हैं किंग सुदास के पास. और किंग सुदास भी यहां पर तैयार रहता है कि भाई चलो वॉर होने वाला है, इतिहास में हम लोग भी पहला वॉर पढ़ने जा रहे हैं. तो एक ये भी तैयार होकर के अपनी आर्मी लेकर के आ जाता है. और ये नदी है, नदी का नाम है रावी रिवर आज की, और उस समय की पौरुषनी रिवर. तो इस समय दोनों साइड में लोग आ जाते हैं. वन साइड में जो है राजा सुदास हो जाता है, अगले साइड में जो होता है 10 और राजा और विश्वामित्र हो जाते हैं, और यहां पर एक वॉर होती है. वॉर के दौरान में किंग सुदास ये जीत जाता है, और बाकी ये लोग जो है वो हार जाते हैं, डिफीट हो जाती है इनकी.
और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है। इसीलिए इस सिस्टम, इस मंडल को बोला जाता है दश। दश का मतलब दस हो गया, टेन, एंड राज्य युग, दिस इज राज्य युद्ध या फिर वॉर, दस राज युद्ध बोला जाता है इसको। और ये बेसिकली ऋग्वेद के सातवें मंडल में है, जहां पे वशिष्ठ ने इस पूरी पूरी सिस्टम के बारे में यहां पर लिखा है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपको जानना इंपॉर्टेंट था। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं फिलहाल के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाती है, बट आज की क्लास के बाद आपको बेसिकली जितना भी हम लोग कल डिस्कस किए थे वो अब समझ में भी आ गया होगा और मेरे हिसाब से काफी हद तक याद भी हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिकली बात करेंगे जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोई डाउट रहे तो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस, जो भी हमारे चैनल्स हैं उसको आप रीच करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसके थ्रू आप रीच कर सकते हैं हम तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।